Hello friends, welcome back to our YouTube channel Target Easy Study. दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज हम अपने परसेंटेज का पार्ट फाइव देख रहे हैं, जिसका आज हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया, अंततः वृद्धि या कमी प्रतिशत होगा। दोस्तों इससे पहले एक बात आप लोग समझ लीजिए कि जब भी आंसर जो होगा वो अगर वो प्रतिशत में पूछा जा रहा है, परसेंटेज में कमी या वृद्धि पूछी जा रही है, तो हमें ओरिजिनल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं ये नंबर क्या है, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आंसर डिजिट में पूछेगा कि कितना नंबर बढ़ जाएगा या कितना कम हो जाएगा, तो फिर ये इस वैल्यू को लिए बगैर काम नहीं चलेगा। लेकिन जब भी आंसर प्रतिशत में पूछेगा तो फिर हम इसका यूज नहीं करेंगे, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों कल हमने एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को, एक फार्मूला बताया, तो उसी फार्मूले से हम लोग इसको लगा देते हैं। फार्मूला हमारा ये था एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ पे कमी और वृद्धि के हिसाब से प्लस माइनस हम लोग कर सकते हैं। तो 20% एक बार बढ़ाया जा रहा है, एक बार कम किया जा रहा है, तो 20 को एक बार हम प्लस में ले लेंगे और एक बार माइनस में ले लेंगे। तो एक बार प्लस में ले लिया 20, एक बार माइनस में 20, और यहाँ पे ये प्लस, और यहाँ पे एक बार प्लस का 20 और एक बार ये माइनस का 20 अपॉन 100। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये प्लस का 20 और माइनस का 20 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 जो 4 हो जाएगा, ये इसका माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, -4%। तो यहाँ पे दोस्तों जो माइनस का सिंबल आता है वो हमेशा कमी दिखाता है। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो -4% की कमी होगी। इसको हम लोग फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं, पहले हम आपको बता चुके हैं, चाहे तो उससे भी लगा लें, और 100 मान के भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हैं। और कई सारे मेथड इसे कि हम 100 से भी लगा सकते हैं, फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं, और इस फॉर्मूले से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं, क्योंकि बोर्ड में आ नहीं रहा तो इस वजह से हमने इसको इधर लिख रखा था, अब इसकी जरूरत खत्म हो गई, इसको रफ कर दे। राधिका ने, दोस्तों ये जो हमने अभी क्वेश्चन आप लोगों को बताया था ये यूपी टेट 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन प्राइमरी में, और ये दूसरा क्वेश्चन है ये भी 2013 में प्राइमरी में पूछा गया है। राधिका ने 2,50,000 में एक कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और गिर गई। इन दो वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत है। तो इसको भी हम लोग फार्मूले से लगा सकते हैं। तो इसमें भी जो आंसर है वो प्रतिशत में पूछ रहा है, तो ये वैल्यू हमारे लिए कोई मैटर नहीं करती है, तो अपने हम ट्रिक वाला फार्मूला लगा देंगे। दोनों बार कमी हो रही है, इसके लिए एक बार 10% की कमी हुई और दूसरी बार 12% की कमी हुई, फिर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे हमारा माइनस का 10 और माइनस का 12 अपॉन 100। वही फार्मूला लगा रहे, कंफ्यूज मत होना, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ पे माइनस का 10 और माइनस का 12 माइनस का 22 हो गया, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 0 से 0 कैंसल हो गया, और यहाँ पे अगर हम नीचे से 1 0 हटाएंगे तो यहाँ जो हमारा बच रहा है 12 में बच रहा है, तो 1 डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.2। अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 20.8 माइनस का, माइनस आ रहा है मतलब कमी हो रही है। तो इन दो वर्षों में कार की कीमत में -20.8% की कमी आएगी, इस तरह से हो गया। और चाहें तो अपने इसको फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं, बता देते हैं फ्रैक्शन से भी। जैसे 10% गिर गई तो 10% की जो फ्रैक्शन होगी 1/10 हो जाएगी, और उसके बाद में 12% और गिर गई, तो 12% की फ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ रखी है, अगर नहीं आती तो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जो 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25 होती है, तो फिर 12% की फ्रैक्शन इससे 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3/25। तो 12% की जो फ्रैक्शन आएगी वो 3/25 आएगी। इस तरह से जो हमारी कार की कीमत पहले कितनी थी,
10 थी और इधर वाला जो होगा उसको मल्टीप्लाई करा देंगे और इधर कितनी थी 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे लिख लेंगे, जो आगे वो कितना 250। ये हमारी क्या होगी, कार की टोटल कीमत होगी। इसके बाद में होता क्या है, 10% की कमी आ जाती है, तो अब कार की कीमत कितनी होगी 9 और इधर कितने की कमी आ रही, 3 की कमी आ रही, यहाँ पे कितना बचा 22 और इसको मल्टीप्लाई करा के हम लोग लिख लेंगे 198। अब दोनों में देखो कितने की कमी आ रही है, यहाँ पे इसको हम माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे ये 2 आ गया, यहाँ 14 में 9 5 52। इस तरीके से जो कमी हो रही है हमारे पास वो कितने की हो रही, 52 की। तो हम लोग परसेंटेज कमी का फार्मूला लगाएंगे, ऊपर कमी और नीचे बड़ी वैल्यू 250 है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 5 आ गया और यहाँ 5 2 जा 2 2 जा 4 5 2 जा 10 अपॉन 5। इसको डिवाइड करा लेंगे तो यहाँ 5 2 जा 10 0 आया और ये 8। इस तरह से 20.8% की कमी होगी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से भी लगा सकते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है, यदि आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो आयत की लंबाई, अब दोस्तों हमें थोड़ा ये भी सोच लेना है कि कौन सा मेथड हमें इजी पड़ेगा, ये हमें प्रैक्टिस से पता चलेगा। अगर हमें कमी या वृद्धि 10%, 20%, 25%, 30%, 40% ऐसे नंबर्स में दी जा रही है तो वहां पे हमारे लिए फार्मूला लगाना ही बेटर है, फार्मूले से तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इस तरह की वैल्यू दे रहा है 37.5%, 57.2%, 7% इस टाइप की अगर वैल्यूज दे रहा है तो उन क्वेश्चंस को हमें फ्रैक्शन से लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर उसमें प्लस माइनस करेंगे तो फिर उसमें डिफिकल्ट हो जाएगा। जब हम फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो वैल्यू हमारी 1/4, 3/5 ऐसे छोटे छोटे नंबर्स आ जाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी। तो हम लोग इसको फ्रैक्शन से ही लगा लेते हैं। तो 37.5% की जो हमारी फ्रैक्शन होती है वो होती 3/8। तो ये हमारी लंबाई हो गई, तो ये हमारी चौड़ाई हो गई और चौड़ाई 20% घटा दें, 20% की जो फ्रैक्शन होती है 1/5 होती है। अब पहले लंबाई हमारी कितनी थी 8, बढ़ा दी गई, कितनी बढ़ी 3, तो यहाँ कितनी हो गई 11। पहले हमारी जो चौड़ाई थी वो कितनी थी 5, अब कमी कर दी गई तो कितनी होगी 4। यहाँ पे आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ये लंबाई होगी ये चौड़ाई होगी, दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ गया 40 और यहाँ पे कितना आ गया 44। अब दोनों में डिफरेंस देख लीजिए क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही, कितने की वृद्धि हो रही 4 की। तो हम फार्मूला लगा लेंगे परसेंटेज वृद्धि या फिर परसेंटेज इंक्रीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस अपॉन छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये, तो यहाँ पे वृद्धि कितनी आ गई 10% की वृद्धि आ गई। और जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वह, यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% तथा 25% की वृद्धि कर दी जाए तो घनाभ के आयतन में वृद्धि ज्ञात कीजिए। इसको भी हम लोग फार्मूले से भी लगा सकते हो, फ्रैक्शन से भी लगा लेंगे। फार्मूले से लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे उसको हम बता रहे हैं, लगा के नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, सिर्फ बता दें फार्मूले से कैसे लगाएंगे। अभी तक की जो हम फार्मूला अप्लाई करते थे वो उसमें हमें केवल दो ही चीजें दी जाती थी, 10% की कमी या फिर 10% की वृद्धि, मतलब कोई भी नंबर 10%, 20% कुछ भी हो सकता है अगर। लेकिन इसमें क्या हुआ, 3 नंबर हमें दे दिए गए, 10%, 20% और 25%। तो फार्मूले से कैसे लगाएंगे उसके लिए हम ये करेंगे, पहले इन दोनों में लगा लेंगे, उसका जितना आंसर आएगा तो उसको ले लेंगे फिर इसको ले लेंगे, फिर उन दोनों में फिर से हम लोग लगा देंगे और जो फाइनल आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। फार्मूले से ऐसे कर लेंगे और फ्रैक्शन से कैसे करेंगे उसके लिए फ्रैक्शन लिख लेंगे। ये हमारी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। लंबाई कितनी हो रही 10% की, फ्रैक्शन जो होगी वो कितनी होगी 1/10। तीनों चीजें क्या की जा रही है, बढ़ाई जा रही है, तो हम भी तीनों को बढ़ा देते हैं। फिर 20% की फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी 1/5 और ऊंचाई 25% की फ्रैक्शन 1/4। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले जो हमारी लंबाई थी वो कितनी थी 10, बाद में कितनी होगी 11, ऊंचाई पहले 5 थी बाद में कितनी होगी 6,
सॉरी ऊंचाई में चौड़ाई, यहाँ पे ऊंचाई पहले कितनी थी 4, अभी कितनी हो गई 5। इन दोनों जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो तीनों की मल्टीप्लाई करा लें तो हमारा आयतन निकल आएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो यहाँ हो गया 20 और ये 10, तो आयतन हमारा कितना आ गया 200। यहाँ पे कितना हो गया 6 5 30 और 13 2 11 कितना आ गया 330। कितने की वृद्धि हो रही है इसमें 130 की वृद्धि हो रही है। तो परसेंटेज वृद्धि का हम लोग फार्मूला लगा देंगे, परसेंटेज वृद्धि इज इक्वल टू वृद्धि कितनी की हो रही 30 की हो रही अपॉन छोटी वैल्यू 200 मल्टीप्लाई बाई 100। ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आ गया 65। इस तरह से जो टोटल वृद्धि होगी आयतन में वो कितनी हो जाएगी 65% हो जाएगी। फिर जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, यदि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हमने शॉर्ट में लिख दिया है। तो अभी तक की जो हम फार्मूला अप्लाई करते थे उसमें हमें दो नंबर दिए होते थे, इसमें तो एक ही दिया गया है, लेकिन हम ये जानते हैं कि वर्ग की जो चारों साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगी, तो 40% इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है इधर की हम 40 ले रहे हैं और इधर की 40 ले रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे पास 40 की दो वैल्यूज मिल गई। तो इसको हम अगर फार्मूले से लगाना चाहें तो यहाँ पे रख देंगे 40 और एक बार फिर से 40 और यहाँ पे फिर 40 मल्टीप्लाई 40 क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया और इसको ऐड कर दिया तो यहाँ हमारा कितना आ गया 4 × 16 96% की वृद्धि आ जाएगी। अगर फ्रैक्शन हम लोग इसको देखें तो 40% की जो फ्रैक्शन होती है वो 2/5 होती है। पहले जो आयत वर्ग की भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी 5, और बाद में वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी 7। तो पहले जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो 25 हो जाएगा और बाद में 49 हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस कितने का आया 24 का, तो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 24 का। तो हम लोग परसेंटेज वृद्धि का फार्मूला लगा देंगे, परसेंटेज वृद्धि अपॉन छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ये 4 यहाँ कितना आ गया 96%। इस तरीके से ऐसे फ्रैक्शन से भी हो गया। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए और सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहिए। दोस्तों अगर हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो हम जल्द ही ईवीएस के लिए भी क्लासेस लाएंगे, इन्वायरमेंट स्टडीज के लिए भी क्लासेस हम लोग लाएंगे, और अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो हम लोग साइकोलॉजी की भी क्लासेस लाएंगे। दोस्तों आज का जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और 2019 में 6 जनवरी को जो असिस्टेंट टीचर की परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को हम देख ले रहे हैं। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे। तो दोस्तों ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अभी तक की हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सारी चीजें पूछ रहा था, तो डायरेक्ट क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा था। अभी ये कह रहा है कि क्षेत्रफल समान रहे और चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए ये पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चाहे तो हम लोग फार्मूले से भी लगा सकते हैं। जब ये कहेगा कि क्षेत्रफल एक समान रहे तो फार्मूले में हम क्या कर देंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 इज इक्वल टू हम लोग 0 रख देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। तो लंबाई को हम लोग x मान लो, लंबाई में वृद्धि की जाए तो यहाँ पे जो हम x की वैल्यू है वो 25% दे लेंगे और जो कमी की गई वो y दे लेंगे, तो यहाँ पे 25 तो यहाँ 25 हो गया और यहाँ पे माइनस वाई कर दिया, यहाँ पे x 25 हो गया y माइनस में, यहाँ पे कितना हो जाएगा -25y अपॉन 100 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, y एक तरफ कर देते हैं बाकी कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं, इसको पहले कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ आ गया 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको भी उधर ले जाएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया y अपॉन 4 इज इक्वल टू 25। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 5y, इसके नीचे 1 करके एलसीएम ले लें, ये कितना आ गया 4,
इज इक्वल टू 25। अब y की वैल्यू निकालनी तो y को अकेले कर देना है, 25 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 5, तो y इज इक्वल टू 20%। तो इस तरीके से चौड़ाई में हमें 20% की कमी करनी पड़ेगी।